टैनग्राम चिड़ियाघर, टैनग्राम जू। इस वीडियो में हम टैनग्राम के माध्यम से विभिन्न जानवर बनाना सीखेंगे। नमस्ते बच्चों, देखो बनी और टुक टुक क्या कर रहे हैं? ओह, वो दोनों एक साथ खेल रहे हैं। इस बीच बनी एक पहेली पूछता है। कल्पना करो कि तुम विद्यालय में हो और शिक्षक एक परीक्षा ले रहे हैं, जिसमें तुम्हें एक ऊंट का चित्र बनाना है। तुम्हारे पास एक भी पेंसिल या पेन नहीं है और तुम इसे अपने दोस्तों से भी नहीं मांग सकते हो। तुम्हारे पास सिर्फ कुछ कागज, कैंची और गोंद है, तो तुम ऊंट कैसे बनाओगी? अब टुक टुक सोच रहा है। बच्चों, क्या पहेली को हल करने में टुक टुक की सहायता कर सकते हैं? चलिए अब देखते हैं टुक टुक बनी को क्या जवाब देता है। वो बोलता है, मैं कागज, कैंची और गोंद की सहायता से ऊंट बना सकता हूँ। तब बनी बोलता है, कैसे? ये सुनकर जवाब में टुक टुक कहता है, टैनग्राम बनाकर। इसके लिए मैं एक कागज को इस प्रकार मोड़ूंगा और कागज की इस पट्टी को काटूंगा। अब मुझे एक वर्गाकार यानी स्क्वायर शेप्ड कागज मिलता है। इससे मैं टैनग्राम के टुकड़े बना सकता हूँ। इसके लिए मैं वर्गाकार कागज को इस प्रकार मोड़ूंगा और इसे मोड़ के निशान से काट लूंगा। अब मैं एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल लूंगा और इसे इस प्रकार मोड़ूंगा और इसे मोड़ के निशान से काट लूंगा, तो मुझे दो बड़े त्रिभुज मिलते हैं। इसके बाद मैं दूसरा त्रिभुज लूंगा और इसे इस प्रकार मोड़ूंगा और इसे भी मोड़ के निशान से काट लूंगा, तो मुझे एक मध्यम आकार का त्रिभुज मिलता है। अब मैं कागज के बचे हुए हिस्से को लूंगा और इसे इस प्रकार मोड़ूंगा, फिर मैं इसे मोड़ के निशानों से काट लूंगा, तो मुझे एक छोटा त्रिभुज और एक वर्ग यानी स्क्वायर मिलता है। इसके बाद मैं कागज के बचे हुए हिस्से को लूंगा और इसे इस प्रकार मोड़ूंगा, फिर मैं इसे मोड़ के निशान से काट लूंगा और मुझे एक छोटा त्रिभुज और एक तिर्यक वर्ग यानी रोम्बॉइड मिलता है। इस तरह मुझे टैनग्राम के सभी आकार मिल जाते हैं। अब ऊंट बनाने के लिए मैं दो बड़े त्रिभुज लूंगा और इन्हें इस प्रकार दूसरे कागज पर चिपकाऊंगा। इसी तरह से मैं एक मध्यम आकार का त्रिभुज और एक वर्ग लूंगा और इन्हें इस प्रकार कागज पर चिपका दूंगा। अंत में मैं एक तिर्यक वर्ग और दो छोटे त्रिभुज लूंगा और इन्हें इस प्रकार कागज पर चिपका दूंगा। इस तरह मैं टैनग्राम के सभी टुकड़ों का उपयोग करके ऊंट बना सकता हूँ। ये सुनकर बनी बोला, बहुत अच्छे टुक टुक, तुम बहुत होशियार हो। तो क्या तुम इन टैनग्राम के टुकड़ों से एक पक्षी भी बना सकते हो? तब टुक टुक बोला, हाँ बिल्कुल। अपनी सुविधा के लिए अब मैं सब पर संख्याएं अंकित करूंगा। अब पक्षी बनाने के लिए मैं इन आकारों को इस प्रकार,
इस प्रकार और इस प्रकार भी व्यवस्थित कर सकता हूँ। और बनी, क्या तुम जानते हो, मैं इस प्रकार एक सारस भी बना सकता हूँ। ये सुनते ही तुरंत बनी बोला, अरे वाह टुक टुक, शानदार। लेकिन क्या तुम टैनग्राम के उपयोग से एक डरी हुई बिल्ली भी बना सकते हो? अब टुक टुक सोच रहा है। सेकंड्स के बाद तभी बनी बोलता है, रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। इसके लिए पहले हम इन आकारों पर इस प्रकार संख्याएं अंकित करेंगे। अब एक डरी हुई बिल्ली बनाने के लिए हम आकार 1, 2 और 5 को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। फिर हम आकार 3 और 6 को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। अंत में हम आकार 4 और 7 को इस प्रकार व्यवस्थित करेंगे। इस तरह हमने एक डरी हुई बिल्ली बनाई है। टुक टुक, क्या तुम जानते हो कि हम टैनग्राम के उपयोग से विभिन्न जानवर भी बना सकते हैं? अब तुम टैनग्राम के उपयोग से कुछ और जानवर बनाने की कोशिश कर सकते हो। बच्चों, हमें आशा है आप समझ गए होंगे कि टैनग्राम के माध्यम से विभिन्न जानवर कैसे बनाए जाते हैं। अब टुक टुक की तरह आप भी टैनग्राम के उपयोग से कुछ और जानवर बनाने का प्रयास कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं।